रामायण और महाभारत हिंदू सभ्यता की नींव है। महाभारत हमने जीवन जीने के तरीकों को सिखाता है। महाभारत में एक से बढ़कर एक महारथी लोगों का जिक्र है, जिनमें से एक है कर्ण। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि महाभारत के कर्ण का अंतिम संस्कार सूरत में किया गया। दानवीर कर्ण पांडवों की माता कुंती के सबसे बड़े पुत्र थे। कर्ण की जीवन गाथा के बारे में तो हमने बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी उनकी मौत के बारे में सुना है? जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और अर्जुन कर्ण के बीच युद्ध चल रहा था, तब कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। तब कर्ण ने भीष्म पितामह के बनाए नियमों की बात करते हुए अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जब तक मैं रथ का पहिया नहीं निकाल लेता, तब तक तुम मुझ पर आक्रमण नहीं करोगे। यह सुनकर अर्जुन रुक गया। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम क्यों रुके? तीर मारो। जब अर्जुन ने कहा कि वह युद्ध के खिलाफ है, तब भगवान कृष्ण ने याद दिलाया कि अभिमन्यु एक अकेले योद्धा से लड़ रहा था। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि महाभारत के 16 साल बाद कर्ण की आत्मा क्यों पांडवों से मिलने आई। देंगे आपको सारी जानकारी इस वीडियो में, और इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। कर्ण दानवीर था, लेकिन जीवन भर भाग्य ने उनके साथ कंजूसी दिखाई। जन्म के साथ ही माँ का साथ छूट गया। माँ ने बदनामी के डर से कर्ण को जन्म देने के साथ ही बक्से में बंद करके गंगा में प्रवाहित कर दिया। इससे कर्ण को अपनी वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो पाया और यह उसके लिए मृत्यु का कारण बन गया। गुरु परशुराम जी ने कर्ण को शाप दे दिया कि तुम मेरी दी हुई शिक्षा उस समय भूल जाओगे जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। शाप की वजह यह थी कि कर्ण ने क्षत्रियों के समान साहस का परिचय दिया था, जिससे गुरु परशुराम क्रोधित हो गए, क्योंकि उन्होंने क्षत्रियों को ज्ञान न देने की प्रतिज्ञा ली हुई थी। और सत्य भी यही था कि कर्ण एक क्षत्रिय थे और वास्तविकता का बोध नहीं होने की वजह से खुद को सूत पुत्र बताया था। दोस्तों, कर्ण की मृत्यु अर्जुन के हाथों होने की एक बड़ी वजह यह थी कि कर्ण दुर्योधन का साथ दे रहे थे, जो अधर्म कर था। दोस्तों, जब पांडव कुंती से मिलने जाते हैं, तब वहां महर्षि वेद व्यास मुनियों के साथ आ जाते हैं। पांडव और धृतराष्ट्र महर्षि वेद व्यास के साथ कुंती, गांधारी, सुभद्रा, दिव्या कथाओं की चर्चा करने लगते हैं। तभी महर्षि वेद व्यास धृतराष्ट्र से कहते हैं, महाराज, आपके हृदय में जो कहने की इच्छा हो शीघ्र ही कह डालो, मैं सब कुछ जानता हूँ। आप निरंतर अपने मरे हुए पुत्रों के शोक में जलते रहते हैं। महाराज, गांधारी, कुंती और द्रौपदी के हृदय में जो दुख हमेशा बना रहता है, वह भी मुझे पता है। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा अपने पुत्र के मारे जाने के बाद जो दुख मन में धारण करती है, मैं उससे अनजान नहीं हूँ। मैं आप सभी की समस्या को दूर करने के लिए ही आया हूँ। बताइए, आपको कौन सा वरदान प्रदान करूँ? वेद व्यास जी की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने कुरुक्षेत्र युद्ध के बारे में बताया कि कैसे दुर्योधन की मूर्खता के कारण कई सारे योद्धा मारे गए। दूसरे देशों के राजा दुर्योधन की सहायता करने के लिए आए थे, वह भी मृत्यु के घाट उतार दिए गए। धृतराष्ट्र की सारी बातें सुनकर वहां बैठे सभी लोग मरे हुए योद्धाओं के बारे में सोचकर शोक करने लगे। यह सारी बातें सुनकर माता गांधारी वेद व्यास से कहती हैं, मेरे पुत्रों को मरे हुए 16 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन राजा धृतराष्ट्र आज भी अपने पुत्रों के शोक में है। वह आज भी उनके शोक में विलाप करते हैं। आप तो अपने तपोबल से दूसरी सृष्टि का निर्माण भी कर सकते हो, तो एक बार राजा धृतराष्ट्र को उनके मरे हुए पुत्रों से मिलाना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? द्रौपदी मुझे अपनी सारी पुत्र वधू में सबसे अधिक प्रिय है। इस बेचारी के भाई, बंधु, पुत्र सभी मारे गए हैं, जिससे यह बहुत दुखी रहती है। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा हमेशा अपने पुत्र अभिमन्यु के वध से दुखी रहती है। जब गांधारी ने यह कहा, तब कुंती ने अपने महातेजस्वी पुत्र कर्ण को याद किया। तब महर्षि वेदव्यास ने कुंती को देखा तो उन्होंने उनसे पूछा कि देवी, आप क्यों शोक में डूबी हो? कुछ कहने की इच्छा हो तो कहो। तब कुंती ने सिर झुकाकर महर्षि वेदव्यास को प्रणाम किया और लज्जित होकर उन्हें कर्ण के त्याग के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने एक नवजात शिशु को गंगा में प्रवाहित कर दिया था और उसे नियति के भरोसे छोड़ दिया था। उसके लौटने के बाद भी उसे अपना पुत्र स्वीकार नहीं कर सकी और सूत पुत्र होने के कारण उसे सबका अपमान सहना पड़ा। सबकी बातों को सुनकर मुनिवर वेद व्यास ने कहा, आज सारा संसार मेरे तपोबल को देख ले। हे गांधारी, आज रात को तुम अपने पुत्रों, भाइयों, उनके मित्रों को देखोगी।
कुंती कर्ण को, सुभद्रा अभिमन्यु को और द्रौपदी अपने पांचों पुत्रों को देखेगी। महर्षि वेदव्यास के वचन को सुनकर सभी बहुत खुश हुए। जब रात होने को आई तब मुनिवर वेदव्यास जी के बताए अनुसार नदी के किनारे सभी लोग आ गए, जिसके बाद वेदव्यास जी ने जल में प्रवेश करके गौरव और पांडव पक्ष के मरे हुए योद्धाओं का आवाहन किया। इसके बाद भीष्म, द्रोण, सारे राजा अपनी सेना के साथ वहां प्रकट हो गए। वह सभी पुत्रों और सैनिकों सहित बाहर आए। द्रौपदी के पांचों पुत्र अभिमन्यु और घटोत्कच सभी जल से प्रकट हो गए। कर्ण और शकुनि, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन और दुशासन आदि जल से बाहर आ गए। इसके बाद राजा बाली सोमदत्त और दूसरे बहुत से क्षत्रिय वीर सभी चमकते हुए शरीर को धारण करके जल से बाहर प्रकट हुई। पांडव अपने भाई कर्ण को देखकर फूट फूट कर रोए, क्योंकि जब कर्ण जीवित थे तब उन्होंने कभी भी उनका सम्मान नहीं किया था, क्योंकि कर्ण की मृत्यु के बाद ही उन्हें पता चला था कि वे उनके बड़े भाई थे, और इस सच को जानकार युधिष्ठिर ने नारी जाति को श्राप दिया था। इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, अभी फिलहाल अपनी कथा पर वापस आते हैं। कर्ण से दोबारा मिलने के कुछ समय के बाद उनका दुख दूर हो गया। इसके बाद सभी पांडव कर्ण से प्रसन्नता पूर्वक मिलकर बड़े भाई जैसा प्रेम करने लगे। इसके बाद अभिमन्यु और द्रौपदी के पांच पुत्रों से मिलकर बहुत खुश हुए। वह सारे योद्धा भी एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार मुनि वेद व्यास जी की कृपा से सभी अपने क्रोध को भूलकर, शत्रु भाव को छोड़कर हर्ष मनाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच कोई दुश्मनी ना हो। कौरव और पांडव अपनी दुश्मनी भूलकर कुरुवंश के दो भुजाओं की तरह प्रतीत होने लगे। वेद व्यास जी के तपोबल की शक्ति देखकर सभी बहुत प्रसन्न हुए कि उन्हें ऐसे लोगों से मिलने का मौका दोबारा मिला जिन्हें उन्होंने युद्ध की वजह से खो दिया था। इस तरह सारे मारे गए योद्धा एक रात अपने महल में रहने के बाद सुबह वहां से चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद सबको लगने लगा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध ने उनकी सारी खुशियों को छीन लिया है। क्या आप महाभारत के इस रहस्य को जानते थे? कैसे यह सभी कौरवों और पांडवों के मरे हुए उनके परिजन किस तरीके से उनसे मिलने दोबारा आए, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अब बात करते हैं उस समय की जब कर्ण की मृत्यु हुई और युधिष्ठिर ने संपूर्ण नारी जाति को श्राप दे डाला था। आखिर क्या था वो श्राप और क्यों दिया था? कुरुक्षेत्र के युद्ध के 70वें दिन कर्ण और अर्जुन में एक भयंकर युद्ध हो रहा था। युद्ध के दौरान जब रथ का पहिया भूमि में धस गया तो कर्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम दो घड़ी प्रतीक्षा करो जिससे मैं इस फंसे हुए पहिए को निकाल सकूं। मेरे रथ के पहिए को फंसा हुआ देखकर तुम छल मत करना। हे कुंती कुमार, जिस मार्ग पर कायर चला करते हैं तुम उस मार्ग पर मत चलना, क्योंकि तुम एक कुशल योद्धा हो। तुम्हें तो अपने आप को और भी ज्यादा श्रेष्ठ साबित करना चाहिए। इसीलिए जब तक मैं इस फंसे हुए पहिए को निकाल रहा हूँ तब तक तुम रथ पर चढ़कर मुझ पर प्रहार मत करना। दोस्तों, कर्ण का वध करने से पहले अर्जुन ने कर्ण को अपने रथ का पहिया निकालने के लिए दो घड़ी का समय दिया था, लेकिन कर्ण की मृत्यु के बाद कुछ ऐसा हुआ था जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जब अर्जुन ने कर्ण का वध किया तब कर्ण के शरीर से रक्त की धाराएं बह रही थीं, लेकिन फिर भी कर्ण का शरीर सूर्य के समान चमक रहा था। शेर की मृत्यु के बाद भी हिरण जिस तरीके से उसे देखकर भयभीत हो जाते हैं, उसी प्रकार कर्ण की मृत्यु के बाद भी उनके शरीर को देखकर पांडव भयभीत हो गए थे। कर्ण की मृत्यु से संपूर्ण ब्रह्मांड में मातम छा गया था। नदियों का प्रवाह रुक गया था। तब सूर्य देवता अस्त हो चले थे। इसके बाद मंगल और बुध तर्ज होकर उदित हुए। आकाश फटने लगा, पृथ्वी चिल्लाने लगी, भयानक और रुकी हवाएं चलने लगी। संपूर्ण दृश्य अग्नि से प्रज्वलित होने लगा। महासागर भयानक गर्जना करने लगा, पर्वत कपकपाने लगे, आकाश में अंधेरा छा गया, जलती हुई उल्काएं गिरने लगी। कर्ण को मरते हुए देखकर देवता भी हाहाकार करने लगे। कर्ण की मृत्यु के बाद शल्य भागते हुए दुर्योधन के पास पहुंचे और दुर्योधन से बोले, आज कर्ण ने अर्जुन को लगभग मार ही डाला था, लेकिन आखिर में अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। लगता है विधाता पांडवों के पक्ष में रहकर उनकी रक्षा कर रहे हैं। कर्ण के वध का संदेश सुनकर दुर्योधन की आंखों से आंसू बहने लगे। शौक से वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद जब दुर्योधन को होश आया तो उसने प्रण लिया कि वह आज ही अर्जुन और श्री कृष्ण को मारकर कर्ण के अर्ण से मुक्त हो जाएगा। जब धृतराष्ट्र को संजय ने कर्ण की मृत्यु के बारे में बताया तब वह भी मूर्छित हो गए। जब गांधारी को कर्ण के वध का संदेश मिला तो वह क्रोध से चिल्लाने लगी। कर्ण की मृत्यु के बारे में सुनकर
माता कुंती भी फूट फूट कर रोने लगी। जब पांडवों ने देखा कि उनकी माता उनके शत्रु कर्ण के वध पर रो रही है, तब उन्होंने माता कुंती से इसका कारण पूछा। तब कुंती ने रोते हुए पांडवों को कर्ण का सच बताया, जिसको पांडवों ने हमेशा से ही अपमानित किया और अंत में उसका वध भी कर दिया। तो दोस्तों, यदि हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके दोस्तों रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आगे भी ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।